सो हेलो हिप हॉप के दीवानों, कैसे हो भाइयों आप सब। बढ़ते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ। सो डीजी इमॉर्टल वर्सेस मुंबई रैपर्स हो चुका है। बेसिकली डीजी इमॉर्टल ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में मुंबई रैपर्स के बारे में कुछ ऐसा कहा। ये तो मुंबई वालों ने कर रखा है। अच्छा, मैं गली से निकला, मेरे दाल में नहीं था तड़का, मेरी माँ को मेरे पापा ने मारा, उसको ये कर दिया, बहन को नू कर दिया, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो एक मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसने गा क्यों रहा है भाई। जिसके बाद एमसी अल्ताफ का कहना है, पहले आर्टिस्ट जैसा नाम तो रख ले, बीसी नाम ही सड़ेला है, गाने की तो बात ही छोड़ दो, पान मसाला खा के इंटरव्यू दे रहा है और बड़ी बड़ी बातें। विमल रैपर्स सम्मोहित ने कहा, पर चिल्लाता तो तू है और अगली बार इंटरव्यू में तंबाकू थूक के आना मुंह से। एंड जैसा डीजी मॉडल ने कहा कि लाइक मुंबई रैपर्स ये सब गा क्यों रहे हैं, तो सम्मोहित ने कुछ ऐसा कहा है। भाई इधर पब्लिक को फोन आ रहा है कि रोड़ा हो गया, राजीव चौक, ये वो। अरे तो जाना भाई उधर, रोड़ा हो गया तो मैटर हो गया तेरे दोस्त का, तू इधर गाना क्यों गा रहा है, गा क्यों रहा है भाई, जा उधर। डीएविल ने कहा, ये खुद दिल्ली की झोपड़पट्टी से है, साउथ दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड है, अब इनसिक्योरिटी गार्ड बन गया है। लोका ने कहा, भाई खींच लेते हैं फिर गाना क्यों ही बनाए, एनिमे देखते रहो, आहो टूट फूट नरूटो। नेक्स्ट अपडेट हनी सिंह की तरफ से, तो वो काफी गुस्सा हो गए हैं अपने फैन पेजेस से। अभी दो दिन पहले ही उन्होंने अपने फैन पेजेस से रिक्वेस्ट भी करी थी कि उनके बारे में फेक न्यूज ना फैलाएं, तो फिलहाल कुछ ऐसा हुआ। हनी सिंह ने कल ही बताया था उनकी ग्लोरी एल्बम का इंट्रो एनएफटी पे आने वाला है, बट उनके फैन पेजेस ने ये न्यूज फैला दी कि सिर्फ इंट्रो नहीं बल्कि पूरी एल्बम एनएफटी पे वाली है। तो उसके बाद हनी सिंह ने एक स्टोरी शेयर करी, उन्होंने कहा है, ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोरी इज कमिंग ओनली ऑन एनएफटी, नॉट द एल्बम, शट द दोस फेक फैन पेजेस फॉर फेक रूमर्स। बढ़ते हैं आगे, तो रफ्तार को उनकी वेब सीरीज बजाओ के लिए पावर परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, बेसिकली उनकी एक्टिंग के लिए। अवार्ड लेते आते वक्त वो हिट ह्यूमन की स्ट्रीम पे भी ज्वाइन हुए थे। क्रेजी भाई, रैपिंग तो छोड़ो, तुम्हारे भाई को एक्टिंग का अवार्ड मिला है। बढ़ते हैं आगे, तो पॉलिटिशियन राहुल गांधी से पूछा गया कि कितनी सीटें आ रही है उनकी पार्टी की, तो राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के ट्रैक 295 का रेफरेंस देते हुए कुछ ऐसा कहा। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। बढ़ते हैं आगे, तो कृष्णा की ईपी फार फ्रॉम ओवर 40 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुकी है ऑन स्पॉटिफाई। इसके अलावा विजय डीके एंड एमसी अल्ताफ का कोलैब ट्रैक आ रहा है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज।